जोधपुर में एक बार फिर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली बात पर हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक घर पर धावा बोल दिया। उपद्रवियों पर घर पर पत्थर फेंकने और महिलाओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत करवाया। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला करने और वैन में तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कराया है। दरअसल राजीव नगर स्थित बकरा मंडी में पाक विस्थापित हिंदू परिवारों की बस्ती है। यहां कार साइड करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस ने बताया कि हिंदू बस्ती निवासी भूरा राम की यहां किराने की दुकान और घर है। वह अपनी वैन लेकर आ रहा था। उसके सामने बकरा मंडी से आए एक युवक ने अपनी बोलेरो पिकअप लगा दी। इस बात पर दोनों में बहस हो गई। बहस के दौरान बोलेरो से निकलकर युवक ने भूरा को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ा तो युवक बकरा मंडी से अपने साथ भीड़ ले आया, जिसने परिवार पर पथराव कर और वैन के शीशे तोड़ दिए। विस्थापित परिवार को निशाना बनाते लोगों ने वैन चालक भूरा राम व एक महिला मोमल के साथ मारपीट की। DCP वेस्ट बंदिता राणा ने बताया कि छोटे से एक्सीडेंट को लेकर विवाद हो गया था। इस पर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। समझाइश के बाद मामला शांत है। विस्थापितों का आरोप है कि बकरा मंडी से करीब 300 लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया। कुछ ने उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। इस घटनाक्रम में मोमल नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना को लेकर पुलिस ने CCTV DBR को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके।